स्मैक सप्लायर को पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। स्मैक सप्लायर को 15 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने रेलवे लाइन के पास से किया गिरफ्तार। स्मैकर करोवारी निवासी हनुमानगंज डांडा जहरीले नशा को ठिकाने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर महिला पुलिस अफसर पूनम कटारे ने घेराबंदी कर स्मैक सप्लायर को रंगे हाथों दबोच लिया। मामले को दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया है, कितना कुछ माल बरामद हुआ? काफी दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि ये गोपाल नाम का व्यक्ति यहाँ पे इसमें एक सप्लाई कर रहा। मुखबिर की सूचना पे आज कि वो इसमें एक लेके आ रहा है और रेलवे ब्रिज के पास में जो पुराना केबिन है वहाँ पे वो किसी को देने के लिए पहुँच रहा है। इस पे सूचना पे तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को बता के सब इंस्पेक्टर पूनम कटारे को बल के साथ यहाँ से रवाना किया गया और मुखबिर की सूचना के हिसाब से वो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित मिला परंतु पुलिस को देख कर भागना चाहा। पूनम कटारे द्वारा उसके पूरे टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी तलाशी ली गई तो 15 ग्राम उसके पास इसमें पाया गया जो कि किसी को बेचने के नियत से वहाँ खड़ा था। सर उसके और भी कोई साथी? अभी तो खाली उसके साथी होंगे, दूर भाग गए होंगे। उनकी पता रस्सी पूछताछ करके किया जा रहा है कि वो कहाँ से ले आया था और उनके साथी कौन कौन है। इसके बाद पूरा पूछताछ करने के बाद इस प्रकरण का और भी खुलासा किया जाएगा। अच्छा, इस दौरान पुलिस से जुमा लटकी भी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस ने चारों तरफ से उसको घेर लिया तो उसको भागने का मौका ही नहीं मिल पाया और बचाव के लिए तो हाथ पैर चलाते ही आरोपी। वो जुमा जप्टी नहीं कहा जा सकता।